तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अहो उस सरिता बहन का घर का फोन कोई उठा नहीं रहा है, आपका जरा मोबाइल दीजिए ना, उसमें उनका मोबाइल नंबर है। अहो मोबाइल दीजिए ना। मोबाइल प्रकरण शुरू। सरिता बहन को फोन करना है, उसमें क्या मोबाइल प्रकरण शुरू? अरे नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ माधवी के गोकुल धाम में अभी मोबाइल प्रकरण शुरू होगा। मंजे? क्या हुआ, जेठा की अभी अंगूठी खो गई थी कंपाउंड में, तो टप्पू ने उसे ढूंढ कर दे दी। अरे वाह। हाँ, लेकिन उसके बदले टप्पू ने उससे मोबाइल मांगा और जेठा ने हाँ बोल दिया है। अरे वाह मज्जा है। अरे मज्जा का मज्जा, टेंशन की बात है माधवी। आपको क्या टेंशन है, जेठा भाई ने आपसे पैसे मांगे क्या? माधवी मजाक की बात नहीं है। आई आई आई, जेठा अंकल ने टप्पू को मोबाइल देने का प्रॉमिस किया है। हाँ मैंने अभी वही बताया एको। हाँ तुम्हारी स्कूल बैग पैक करो बेटा, जाओ। ओके। हाँ जाओ। मेरा डर ये है माधवी के टप्पू के इस मोबाइल की देखा देखी में कहीं बाकी के बच्चे भी मोबाइल न मांग ले। ऐसे कैसे होगा, कमाल है भाई। अरे ऐसा ही होता है माधवी, तुम नहीं समझोगी, दिस इज चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं, ये आपकी फिलोसॉफी है। है? आपकी फिलोसॉफी मतलब ये आपकी सोच है। कितना आगे का सोच रहे हो आप, टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, कोई मोबाइल वगैरह नहीं मांगेगा। पापा मुझे भी एक मोबाइल मिल सकता है क्या? अरे गोली, तू तो मोबाइल ऐसे मांग रहा है जैसे पेन पेंसिल मांग रहा हो। गोली बेटा तुझे मोबाइल की क्या जरूरत है? हाँ पापा, टप्पू के पापा ने भी मोबाइल के लिए हाँ बोल दिया है। अच्छा बेटे, टप्पू ने मोबाइल लिया इसलिए तुझे मोबाइल चाहिए। क्या है मम्मी, मोबाइल से काम फास्ट होता है, मुझे खेलने जाना हो, क्लासेस जाना हो, स्कूल जाना हो, किसी की वेट नहीं करनी पड़ती। अभी एक फोन किया, टप्पू नीचे आ जा, बस 5 मिनट में हाजिर, टाइम कितना बच जाता है। गोली बेटा हम सब एक ही सोसाइटी में तो रहते हैं, आवाज लगा कर किसी को भी बुला सकते हैं, उसके लिए मोबाइल लेने की क्या जरूरत है? करेक्ट। एंड बाय द वे बेबी, तुम कौन से बड़े कंपनी के मैनेजर हो कि तेरे 5 मिनट इतने इम्पोर्टेंट है? मम्मी पापा मोबाइल के और भी बहुत सारे फायदे हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल? कोई भी पोर्शन हो, गाइड बुक हो, मोबाइल पर डाउनलोड करके पढ़ सकता हूँ ना। वाह, घर में इतने सारे किताबें वो पढ़ी नहीं जाती, डाउनलोड करके पढ़ेगा ये, यानी डाउनलोड का खर्चा अलग। गोली बेटा कोई अच्छा एग्जाम्पल दो। अच्छा एग्जाम्पल? हाँ पापा, समझो मैं रास्ते से जा रहा हूँ और आपको समोसे खाने का मन हुआ, गर्मा गर्म समोसे। अगर मेरे पास मोबाइल है तब मेरे मोबाइल पर फोन करके बोल सकते हो, गोली बेटा जल्दी से गरम गरम समोसे ले आ। बस 5 मिनट के अंदर गर्मा गर्म समोसे आपके मुंह में। हंस, तुम समोसे के लिए इसे मोबाइल लेकर दोगे? नहीं कोमल, सिर्फ समोसे नहीं, गुलाब जामुन, भेल पूरी, सेव पूरी, सैंडविच, कुछ भी खाने को मंगा सकते हैं। हंस? मम्मी वैसे भी आपसे मैं कहाँ हाथी घोड़े मांग रहा हूँ, अरे एक छोटा सा मोबाइल मांग रहा हूँ। मोबाइल छोटा ही होता है पुत्र, पर छोटे बच्चों के लिए नहीं होता। अगर ऐसा होता तो टप्पू के पापा टप्पू को मोबाइल के लिए हाँ क्यों बोलते? गल भी ठीक है। ए रोशन खेलो टाइगर चेसू। हाँ गोगी डिकरा, टप्पू अगर मोबाइल लेगा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुझे भी मोबाइल लेना है, तो अभी टप्पू से बहुत छोटा है। पापा अब मुझे मोबाइल लेकर नहीं दोगे? पापा से क्या पूछते हैं, मोबाइल फोन नहीं मिलेगा और घड़ी घड़ी पापा को पूछने की जरूरत नहीं। हाँ मम्मी एग्जाम में मुझे मोबाइल बहुत काम आ सकता है। हाँ कॉपी करने के लिए? नहीं नहीं मम्मी, अगर मैं एग्जाम में रबर या पेंसिल भूल गया तो मैं अपने मोबाइल से पापा को फोन करूंगा और पापा गड्डी लेकर रबर पेंसिल लेकर आ जाएंगे। गोगी टिकरा, पेंसिल और रबर चाहिए तो तू किसी अपने क्लास के फ्रेंड से भी ले सकता है, उसके लिए मोबाइल की जरूरत नहीं है। नीचे उठा रोशन, नीचे उठा, चल तू इधर। हाँ बोल बोल। मम्मी एग्जाम में मोबाइल में मैं टाइम भी देख सकता हूँ और सुबह जल्दी उठने के लिए मैं अलार्म भी सेट कर सकता हूँ। हाँ ये बात तो ठीक है, पर उसके लिए मम्मी तुझे खड़ी ला कर देगी, मोबाइल की क्या जरूरत है? पापा
पापा तुसी एक गल दसो। पूछो पुत्र। पापा आज तक मैंने आपसे सिर्फ रिपोर्ट कार्ड का साइन ही मांगा है ना, साइन के सिवाय कुछ मांगा है नहीं पुत्र। बस तो पापा आपका प्यारा सा पुत्र एक छोटा सा मोबाइल ही तो मांग रहा है, अब वो नहीं दोगे पापा? प्लीज पापा प्लीज बोलो ना पापा, आप अपने पुत्र के सवाल का जवाब दीजिए, अब मोबाइल नहीं लाके दोगे? बोलिए पापा बोलिए, बोलिए पापा बोलिए, पापा बोलिए, मैंने कुछ मांगा है आपसे। नहीं रोशन, नहीं रोशन, रोशन नहीं। मेरे प्यारे पापा, मेरे भोले पापा, मुझे फोन दिला दो, समझो मेरी इमोशन। मेरे प्यारे पापा, मेरे प्यारे पापा, समझो मेरी इमोशन, समझो मेरी इमोशन, हाँ हाँ मेरी इमोशन। आपका नाम होगा रोशन, समझो मेरी इमोशन। मेरे प्यारे पापा, मेरे भोले पापा, मुझे फोन दिला दो, मुझे फोन दिला दो, समझो मेरी इमोशन। रोशन माय डार्लिंग, कोकी पुत्र ने गाना गा के मैंने और इमोशनल कर दिया। मुझे लगता है अब गोगी पुत्र को मोबाइल फोन देना ही होगा। ये आटा जी पापा, बल्ले बल्ले बल्ले, मेरे प्यारे पापा, मेरे भोले पापा, ये बल्ले बल्ले बल्ले। गोवेश्वर क्या लिखा क्या है आपने? अक्षर एका कोंबड़ी से पाए सी, और ये क्या लिखा है? द टोटल सर्क्यूलेशन, सर्क्यूलेशन बाबा, सर्क्यूलेशन। अरे हाँ सर्क्यूलेशन, ये लड़का मेरे चश्मे का नंबर बढ़ाने वाला है एक दिन। कठिन है बाबा कठिन है। बाबा हाँ, ये मेरी होमवर्क बुक। अच्छा, और ये प्रैक्टिकल बुक। वाह वाह भारत अप्रतिम, लेकिन ये सारी बुक्स मैं कल चेक कर चुका हूँ, तुम फिर से मुझे क्यों दिखा रही हो? बाबा मैंने सोचा कि आप मेरी होमवर्क बुक देख के खुश हो जाओगे, और खुश होकर मैं तुम्हें मोबाइल दे दूंगा, यही सोचा ना तुमने? लेकिन कान खोल के सुन ले, मोबाइल मिलना नहीं। ऐसा क्या बोल रहे हैं आप? हाँ मुझे बोलना नहीं चाहिए, एक्चुअली लिख कर देना चाहिए ना, लिख कर दे दू मोबाइल मिलना नहीं। म्हणून बिचारी ने कहा मांगा है आपसे मोबाइल? बिचारी बिचारी नहीं माधवी, विचारी विचारी, विचार करके ये सब किया उसने, देखा नहीं कैसे बिना बोले चली गई? अरे ये सब नाटक था उसका, उसको मोबाइल चाहिए ना इसलिए, लेकिन मोबाइल मिलने वाला नहीं है, कंफर्म मुझे कंफर्म। तो पापा कंफर्म मोबाइल के लिए हाँ है ना? हाँ। यस यस, लेकिन मेरी एक शर्त है, मोबाइल फोन उतना ही इस्तेमाल करोगे जितनी जरूरत है, दिन भर बैठ के गेम नहीं खेलोगे। थैंक यू पापा, थैंक यू, थैंक यू मम्मी, थैंक यू। हेलो मैं गुरुचरण सिंह बोल रहा हूँ, मुझे गोगी से बात करनी है। ओए गोली, मैं गोगी बोल रहा हूँ। तो जो रूटीन नाम है वो बोलना। अच्छा गोगी, मेरे पापा ने मोबाइल फोन के लिए हाँ बोल दिया है। ओए की गल कर रहा है मेनू भी। वाह वाह क्या बात है, और सोनू को? मेनू की पता। ओके ठीक है मैं पूछ लेता हूँ। ओके बल्ले बल्ले बल्ले। हेलो विरंकल, गोली बोल रहा हूँ। हाँ बोल गोलिया। एक मिनट, सबसे पहले मुझे बोलने दे, थोड़ी देर पहले तुम्हारा होमवर्क चेक करा था मैं। क्या लिखता क्या है तू? हाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अक्षर का कुमड़ी से पाए और इतने स्पेलिंग मिस्टेक, कब सुधरेगा तू भाई? विरंकल क्लास के बाद क्लास में, मैंने अभी पर्सनल काम से फोन किया है। ओहो हो, पर्सनल काम से फोन किया है, पर का मतलब सोनू से काम होगा? सोनू ए, क्या काम है सोनू से? वो विरंकल आप एक काम करो, आप नाश्ता तैयार रखो, आपके घर आकर मैं फेस टू फेस बात करूंगा। ए, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, मैं सोनू को अभी बुलाता हूँ। सोनू सोनू, ए सोनू,
गोलिया का फोन है। हाँ गोली बोल। सोनू एक गुड न्यूज है, मुझे और गोगी को मोबाइल फोन के लिए हाँ बोल दिया है। वाओ सो लकी। बाबा ने तो साफ मना कर दिया है। ओ नो। बाद में बात करते हैं, बाय। मना कर दिया? ये गोया ने मोबाइल के लिए फोन किया था? हाँ, गोगी और गोली को उनके पेरेंट्स मोबाइल लेके दे रहे हैं। अच्छा वाटलस माला। देखा माधवी, मैंने बोला था ना ये जेठा के वचन की वजह से मोबाइल का हंगामा हो जाएगा, तभी बच्चे मोबाइल मांगेंगे। मांग रहे ना अभी, चाइल्ड साइकोलॉजी। लेकिन सोनू कुछ भी हो जाए तुम्हें मोबाइल नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। हाँ अंदर जाओ। अहू मैं क्या कहती हूँ, दे दीजिए ना मोबाइल, उसमें क्या हर्ज है? माधवी एक बार मोबाइल लेकर दे दिया ना तो गेम्स, फोन, मैसेज, इंटरनेट कनेक्शन सब चालू हो जाएगा और पढ़ाई से कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप ऐसा क्यों सोचते हो? मुझे एक बात बताइए, आज तक सोनू ने कभी कोई बेकार की चीज के लिए जिद की है? नहीं ना। और जरा सोचिए, अगर सबके पास मोबाइल होगा और अपनी सोनू के पास नहीं होगा तो बेचारे उसको कितना खराब लगेगा, हो कि नहीं? और सबसे मेन बात, सोनू अब हमारे साथ और कितने साल है, उसकी शादी हो जाएगी, फिर क्या वो अपने पापा के पास ऐसी मांग कर पाएगी? देखो माधवी, अभी तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही हो, तुम मेरी चिंता समझ रही हो ना? मोबाइल की वजह से उसकी पढ़ाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको सोनू पर विश्वास है ना? विश्वास है बस, तो आप सोनू के लिए मोबाइल खरीद रहे हो? सोनू नौकरिये बाहर, सोनू। अरे माजे भाई, पापा मान गए हैं नौकरिये। अरे क्या क्या, मुझे मोबाइल दे रहे हो? मेरी बात सुनो। सोनू बाबा थैंक यू। ओके 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 ओके, लेकिन एक मिनट एक मिनट, लेकिन इसके पहले हमें मोबाइल का बजट फिक्स करना है। हाँ कई हरकत नहीं। हाँ अपने मोबाइल का बजट होगा 1500 रुपया। 1500 रुपए बजट है आपका? है करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा मोबाइल भी 1500 रुपए का ही है, लेकिन इसमें सारे फीचर्स है, इनकमिंग कॉल, आउटगोइंग कॉल, इनकमिंग मैसेज, आउटगोइंग मैसेज, ये देखो कैमरा है विद एफएम रेडियो। मुझे रेडियो नहीं चाहिए। हा? मुझे आपके जमाने का नहीं, लेटेस्ट स्मार्टफोन चाहिए। इबो बरोबर है दीचा। ये आपके जमाने का स्मार्टफोन है, उसे आज के जमाने का स्मार्टफोन चाहिए। कम से कम 4-5 हजार का तो बजट रखिए। 4-5 हजार कम है, ठीक है 6 हजार का रखते हैं। ये नहीं नहीं नहीं, 4-5 हजार ठीक है, मैं उसी में स्मार्टफोन खरीदूंगा। सच बाबा, प्रॉमिस। प्रॉमिस बाबा, मैं कल तुम्हें स्मार्टफोन खरीद के दे दूंगा। अरे ये ये हलू हलू हलू। हाँ थैंक यू। मम्मी, पापा, पापा। हाँ हाँ अभी क्या? अभी क्या है इसको? हाँ क्या हुआ दीक्षा? पापा, पापा मैं क्या कहता हूँ, मेरे पास एक मस्त आइडिया है। देखो दुकान तो अपनी है, तो चलो ना हम लोग अभी जाके दुकान खोलकर मोबाइल लेकर आ जाते हैं। दादाजी कहते ना कि कल करे सो आज करे सो अब। चले बेटा, तू तो जानता है हमारा गड़ा खानदान की परंपरा है वचन निभाने की, और मैंने अपने आप को वचन दिया है कि मैं तुझे मोबाइल कल दिलाऊंगा। तभी वो वचन तो मुझे निभाना ही पड़ेगा ना बेटा, है? बाप हूँ मैं तेरा बेटा। लेकिन पापा टपू स्मार्टफोन लेगा? हाँ हाँ बेटा, तुम्हें जैसा फोन चाहिए ना वैसा फोन दिलाएंगे। सच्ची पापा? देखेंगे। देखेंगे नहीं पापा, अब प्रॉमिस करो मुझे जो फोन पसंद आएगा वही फोन दिलवाएंगे। अरे भाई वो कल दुकान में जाके देखेंगे भाई, अभी क्या है, अभी तो शांति से जाके सो जा और सोने दे।
टप्पू बेटे तुम्हारे पापा ने कहा ना देखेंगे, मतलब वो बराबर देख कर चेक करके तुम्हें जो चाहिए ना वही फोन दिलाएंगे बेटा। अभी सो जा दीदी का, चलो। ओके मम्मी, बाय बाय। बाय पापा, गुड नाइट। बाय बाय, थैंक यू। बाय बेटा। ये मोबाइल के लिए इतनी जिद कर रहा है, कभी पढ़ाई के लिए इसने इतनी जिद की है? पढ़ाई का तो नाम सुनते ही भाई सबको खेलने के, खाने के, सोने के हजारों बहाने याद आ जाते। बच्चा है, जाने दीजिए ना, अभी सो जाइए, चलिए। एक लप पकड़ के बैठ जाता तो फिर छोड़ता ही नहीं है। इसका जन्म के टाइम पे क्या खाया था तूने? टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है जब अपने बच्चे जीत करे ना तो हमें हमारे बचपन को याद करना चाहिए, तो हमारे बच्चे की जीत हमें कभी भारी नहीं लगेगी। बात तो सही है दया, ये जीत को लेकर मुझे मेरा किस्सा आज भी याद है। अच्छा? परीक्षा के पहले मेले में जाने की मैंने जिद की, वो भी परीक्षा के अगले ही दिन। बापू जी ने साफ मना कर दिया, फिर भी मैं अपनी जिद पे अड़ा रहा कि नहीं मुझे मेले में जाना ही है, जाना ही है। मैंने कहा मैंने पढ़ाई कर ली है, मुझे जाने दीजिए। बापू जी ने बेमन से मुझे इजाजत दे दी और मैं मेले में गया, और वहाँ जाते ही सबसे पहले छोटे चकडोल में बैठ गया, और चकडोल में बैठते इतना उत्साहित हो गया कि चालू चकडोल में खड़ा हो गया तो मेरा बैलेंस गया और मैं नीचे गिर गया। पैर में जबरदस्त चोट आई और चकडोल में चिल्लम चिल्ली शुरू हो गई। हाँ तो चिल्लम चिल्ली तो होगी ना, आपको चकडोल में से नीचे गिरते देख सब लोग डर गए होंगे। नहीं, वो मुझे लेके नहीं चिल्लम चिल्ली कर रहे थे, वो लोग सब अपने लिए चिल्लम चिल्ली कर रहे थे। क्यों? मैं चकडोल में से नीचे गिर गया तो चकडोल में वजन अचानक कम हो गया ना, तो चकडोल एकदम फास्ट 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 घूमने लगा, तो जो भी बाकी के हल्के फुल्के बच्चे थे वो सब डर के मारे एकदम चिल्लाने लगे। फिर दूसरे दिन मेरे पैर की चोट की वजह से बापू जी को मुझे अपने कंधे पे बिठा के स्कूल ले जाना पड़ा। आज मुझे समझ में आ रहा है कि उस दिन अगर मैंने जिद नहीं की होती और बापूजी की बात मानी होती तो ना मुझे चोट लगती, ना ही बापूजी को मुझे उठा के स्कूल ले जाने की तकलीफ होती। ऐसा ही है टप्पू के पापा, जब तक एक बेटा खुद बाप नहीं बनता तब तक उसको अपने बाप की हर सलाह गलती लगती है। वाह दया, बहुत गहरी बात कह दी तूने। एक और गहरी बात कहूं? क्या? अभी यहाँ सिर्फ आप हो, मैं हूँ और ये चार दीवारें हैं। तो अभी आप जल्दी से सो जाइए वरना सुबह लाइट उठेंगे ना तो बापूजी गुस्सा करेंगे। उठ, कान नहीं सुना तुम, उठ। ओ बेटा अभी तक जाग रहा है, तू सो जा। कल मेरा मोबाइल आ जाएगा दादाजी। बूढ़ा मोबाइल के बारे में इतना सोचेगा तो सपने में भी मोबाइल ही दिखेगा। सपने में नहीं दादाजी, अब तो कल सुबह हकीकत में मोबाइल दिखेगा। हाँ देख ला, देख जा, अभी तो सो जा बेटा, सो जा। हाँ। अब तक सो रहे, पापा कब जागेंगे, कब नाएंगे, कब चाय पियेंगे, कब दुकान जाएंगे और मुझे मोबाइल दिलवाएंगे। एक मिनट का, मैं उनको जगाती हूँ। नहीं मम्मी रुको, टप्पू पापा को अपनी स्टाइल में जगाएगा। सॉरी सॉरी पापा, गुड मॉर्निंग। अरे ऐसा डरा को गुड मॉर्निंग बोलता है? पापा 9 बज गए, दुकान नहीं जाना। ए छोटी दया,
तू मुझे मत सिखा मुझे दुकान कब जाना है। तू अपना बोल, तू अभी तक स्कूल क्यों नहीं गया? पापा आज सैटरडे है, स्कूल में छुट्टी है। अरे तो तुझे छुट्टी है तो मुझे क्यों जल्दी दुकान धकेल रहा है? पापा आप अपना वचन भूल गए, आज आप मुझे मोबाइल दिलाने वाले हो ना? अरे हाँ, चलिए चलिए उठिए तैयार हो जाइए। जाएंगे भाई, इतनी भी क्या जल्दी है, जरा थोड़ी देर सोने दे। पापा उठिए ना। पापा टप्पू के पापा। अरे भाई सोने दे, सोना तो। अरे टप्पू। हाँ नाना जी आओ, पापा सो रहे ना, पापा को जगा रहा हूँ। जेठिया, ए जेठिया, कौन? तेरा बाप। बापूजी। हाँ, ये बाबूचक, ये टप्पू कब से नहा कर तैयार हो गया है और तू अभी तक सो रहा है? नहीं नहीं, मैं सो नहीं रहा हूँ बापूजी, वो मैं योगा कर रहा था। वो क्या, योगा करते करते एकदम ध्यान में चला गया ना, तो टप्पू को लगा होगा कि मैं सो रहा हूँ। बच्चा है ना बेटा, मैं सो नहीं रहा था, मैं ध्यान मग्न हो गया था। इतना बड़ा हो गया फिर भी हड़ाहड़ झूठ बोल रहा है, ये टप्पू क्या सीखेगा तुझसे? सॉरी बापूजी, वो कल रात को टीवी पे पिक्चर देख रहा था ना, मुकंदर का सिकंदर, तो उसमें सोने में देरी हो गई। ये सिकंदर देर रात तक टीवी पर पिक्चर देखता रहेगा तो तेरा मुकंदर कब सुधरेगा? चलो भाई जल्दी से तैयार हो जा, टप्पू के साथ दुकान जाना है ना। जी जी बापू जी। चल टप्पू। पापा जल्दी तैयार हो ना, वचन निभाने में देर करना अच्छी बात नहीं है। कल तक मोबाइल के लिए मेरी जान खा रहा था, अभी मेरी नींद भी खा गया। क्या? एक मोबाइल के लिए कितनी जीत कर रहा है तेरा बेटा। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है बच्चों की जीत तो बारिश की तरह होती है, कब कहाँ जाए कोई भरोसा नहीं। तो माँ को बोल सब बच्चों को बोले राजस्थान में जाके जीत करे, वहाँ बारिश की बहुत जरूरत है। क्या तुझे नहीं लगता माँ को बाल मंदिर खोलना चाहिए था, सब बच्चों को कितने अच्छा संस्कार मिलते। टप्पू के पापा आप लेट हो गए, ये नेक विचार तो माँ को बचपन में ही आ गया था। बचपन में? मतलब मेरे बचपन में। लेकिन फिर मैंने सोचा कि बाल मंदिर खोल के क्या पैसे कमाना, ये ज्ञान तो मुफ्त में बांटना चाहिए। चलिए चलिए अब जल्दी से नहाकर तैयार हो जाइए, वरना माँ की तो इतनी बातें हैं कि सब बातें कहने में यहाँ खड़ी रहूंगी ना तो खड़े खड़े मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, लेकिन माँ की बातें खत्म नहीं होगी। चलिए आप नहा लीजिए, मैं चाय नाश्ता बनाती हूँ। पापा रेडी? चलो। अरे भाई दो मिनट चाय तो पी लेना दे। पापा चाय दुकान में पी लेना, चलिए ना प्लीज। अरे भाई तुम्हारा बेटा है कि मेरा लेनदार है, पीछे ही पड़ गया भाई। इतना तो जीत करेगा तो फिर मुझे मेरा वचन भूलना पड़ेगा। अरे तपो बेटा दो मिनट शांति से बैठ जा, पापा को चाय पी लेना। तो हाँ दादाजी। मम्मी चाय लाओ ना जल्दी। हाँ हाँ, लाई लाई, ये लो। पापा जल्दी चाय पीना। बापू जी इसको कुछ बोलिए, आजकल बहुत जिद्दी हो गया है। तो होगा ही ना, तेरा बेटा है, बचपन में तू जिद के मामले में टप्पू का भी बाप था, उसके सामने टप्पू की जिद तो कुछ भी नहीं है। बापू जी जेठिया छोटा था तो एक बार उसे तीन पहियों की साइकिल चाहिए थी, तो उसके लिए तीन दिन तक एक पैर पे खड़ा रहा था। तीन दिन तक? दादाजी यकीन नहीं होता, पापा तीन दिन तक लगातार एक पैर पे खड़े रहे। अरे लगातार तीन मिनट तक दो पैर पे ये खड़ा नहीं रह सकता, वो तीन दिन तक एक पैर पे क्या खड़ा रहेगा, एक एक मिनट के बाद गिर जाता था। फिर मेरे बापूजी को दया आ गई और इसे साइकिल लेकर दी। ये बापूजी मेरे बचपन के और दो चार किस्से सुनाए, उसके पहले निकलना पड़ेगा। टप्पू चलो निकलते हैं, चलो। अरे टप्पू बेटा अच्छा वाला फन पसंद करना, और अगर कुछ समझ में ना आए ना तो सुंदर मामा को फोन करके पूछ लेना।
जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मैं तो आपके साथ आ रहा हूँ ना। हाँ भाई, हाँ चल चल चल। जय जिनेन्द्र बाबूजी। पापा जल्दी जल्दी। अरे पापा क्या जल्दी, यहाँ से ठेकड़ा मारू सीधा नीचे। नहीं पापा, पर ना जल्दी उतरिए ना। एक काम कर, जा तू आगे जा पहले जा। हाय फ्रेंड्स, हाय फ्रेंड्स, हाय। अरे क्या हो गया, आप सब लोग यहाँ ऐसे कंपाउंड में? और जेड़ा भाई कुछ हुआ नहीं, और लेकिन बहुत कुछ होने वाला है, और हम सब तुम्हारी दुकान पे चल रहे हैं। मेरी दुकान क्यों? और पिडू बता, तुमने टप्पू को मोबाइल दिलवाने का प्रॉमिस किया है ना, तभी सभी बच्चे मोबाइल मांग रहे हैं। टप्पू देखो, मैंने सिर्फ तुम्हें मोबाइल दिलाने का वचन दिया था, पूरे टप्पू से ना को नहीं। अरे जेठा भाई, भिड़े मास्टर के कहने का मतलब ये है कि आप टप्पू को मोबाइल लेके दे रहे हो, इसलिए हम सबको भी मोबाइल लेके देना पड़ रहा है। और नहीं तो क्या, लीडर जैसा करेगा सेना भी तो वैसे ही करेगी ना। टप्पू की वजह से महीने का बजट बिगड़ गया, फालतू खर्चा नुस्ता। सॉरी भिड़े, मैं चाहता तो नहीं था कि इसको मोबाइल दिलाऊं, लेकिन हमारे खानदान की परंपरा की वजह से वचन निभाना पड़ रहा है। अरे लेकिन तुम्हारे खानदान की परंपरा की वजह से हमारे खानदान का बजट हिल गया, उसका क्या? आशु, अरे किसी को भी वचन देने से पहले सोचना चाहिए ना। हाँ पर वचन दिया तभी पता नहीं था ना कि मोबाइल मांगेगा। मोबाइल की जगह उसने अगर हवाई जहाज मांगा होता तो वो भी खड़के दे देते तुम। अले बूढ़े राजघराने से महाराज, वचन मणि। भिड़े अंकल, टप्पू सोच समझ कर ही चीज मांगता है। और पिड़ो, और टप्पू पत्थर इतना समझदार मुंडा है, वो हवाई जहाज कैसे मांगेगा भाई? हाँ, उसे पता है कि हमारी सोसाइटी में हवाई जहाज का पार्किंग है ही नहीं। हाँ अभी उसे बोल। शू मारो लाड़को डिक्रो, कितना भोला है मेरा गोगी। सुनिए एकदम तेरे जैसे। जेठालाल, अभी तुम्हारी वजह से खर्चा होने वाला है, तो अभी अच्छा खासा डिस्काउंट देना। और जेठावरा अपना यारों का यार है, और डिस्काउंट की गाल छाड़, वो तो मोबाइल ऐसे ही दे देगा। नहीं नहीं, वो तो दे देगा सोड़ी, लेकिन हमारे खानदान की भी कुछ परंपरा है, हम भी किसी से कोई चीज फ्री में नहीं लेते। लेकिन डिस्काउंट में लेने की परंपरा तो है ना? हाँ हाँ है। अरे आप लोग यहाँ खड़े रहकर बातें ही करेंगे कि मोबाइल भी दिलवाएंगे? चलो ना पापा, चलो ना। ओ चल बता, चल। ओ पिड़ो, ओ अपना दिमाग जो है ना, करेले जैसा कड़वा नहीं, ओ कलिंगर जैसे मीठा करके चल। सही बात है बड़े मास्टर, तुम सोनू को मोबाइल दिलवाने लेके जा रहे हो, ऐसी रोती सूरत लेके जाना सही बात नहीं है। हाँ भाई, मेरी दुकान में खबरदार जो कोई रोते रोते आया तो। कौन रो रहा है जेठालाल? कोई नहीं रो रहा है। तो फिर हंसे हंसे चला इधर। मुझे लगता है ये दुकान वाले ने गलत माल बेचा है, इसके लिए कस्टमर हल्ला कर रहे हैं। क्या लफड़ा इधर? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है साहब, ये सब तो मेरी सोसाइटी में मेरे साथ रहने वाले लोग हैं। हाँ। तो इतना हंगामा क्यों? ओ इंस्पेक्टर साहब, हम गोकुल धाम वाले जहाँ पे भी होते हैं ना, वहाँ पे हंगामा होना वो बाबी की है, नेचुरल। सही बात है। आप टेंशन मत लीजिए साहब, ये क्या है, सब बाप लोग अपने अपने बच्चों को मोबाइल दिलाने आए। हाँ जी, ठीक है ठीक है, शांति से मोबाइल लो, आवाज कमी करा। सॉरी साहब, सॉरी साहब। हाथी बेचारा दरवाजा बंद कर दो, उसकी वजह से आवाज बाहर गई। बच्चों लोग शांति से। छोटू काका, सबको बढ़िया मोबाइल दिखाओ। मोबाइल बाद में, पूरी टप्पू से ना आपके दुकान में पहली बार आई है, खातिरदारी नहीं करोगे? अरे हाँ हाँ, जरूर जरूर।
अरे बागा, जरा बच्चों को पूछ लिया किसको क्या क्या खाना है। जी जेठा भाई, सिर्फ बच्चों के लिए? अरे सॉरी भाई, सबको पूछ ले किसको क्या क्या खाना है, सबके लिए मंगवा ले। चल बोलिए। मेरे लिए पापा, सॉरी सॉरी, पहले बच्चों के लिए। मेरे लिए पेपर मसाला डोसा विद एक्स्ट्रा बटर और मसाला चाट, मेनू एक चॉकलेट मिल्क शेक। जी आप लोग आइए, मैं आपको मोबाइल दिखाता हूँ। कम कम आइए 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 आइए, पापा लोग इधर आ जाओ। डुआ का मेरा बजट 4,000 का है, तो उसी रेंज में फोन दिखाना। नट्टू काका, मुझे ऐसा फोन चाहिए जिसमें गेम हो, टॉर्च हो और अच्छा कैमरा हो। ओके। हाँ तो गोगी, तू फोन क्यों ले रहा है? तू एक गेम ले, एक टॉर्च ले और एक वीडियो गेम ले। वो अपने जमाने के शिक्षक जी, आज के जमाने के मोबाइल में ये सारी चीजें आती हैं। और जब ये तीनों चीजें एक ही मोबाइल में मिलती हैं, तो अलग अलग ये चीजें क्यों खरीदें? नट्टू काका, मुझे CTC मोबाइल चाहिए। हाँ, और मैं रेड चेरी लूंगा। अरे बेटा, ये सब बहुत महंगे फोन है। इतने महंगे मोबाइल तो हम बड़े लोग भी नहीं वापरते। सही बात है, फोन ऐसा पसंद करो जो पापा लोगों के बजट में हो। हाँ, लेकिन मुझे तो लेटेस्ट पीसी चाहिए। नट्टू काका, टप्पू सेठ जी को कल जो नया पीस आया है वो दिखाइए ना, वो 50,000 रुपए वाला। ए भाई बागा, तू क्या मेरा दिवाला निकलवाना चाहता है? ये स्कूल का कंपास बॉक्स एक महीने में घुमा देता है। तू अपना काम करना भाई, आगे लिखो। डोंट वरी पापा, मैं इतना महंगा फोन लूंगा ही नहीं। टप्पू, मैं तो कहता हूँ तेरे लिए वो सिंगसोंग S225 ना, वो तेरे लिए बेस्ट है। उसमें GPS भी है और कैमरा क्वालिटी तो क्या सुपर्ब है। नडुआ का, मुझे वही फोन दो। अरे छोटे सेठ, वो मोबाइल तो अपनी दुकान में अभी नहीं है। हाँ ले आइए। टप्पू सेठ जी, आप बिल्कुल उदास मत होइए, बाजू की गली में नवजीवन इलेक्ट्रॉनिक्स है, वहाँ पे ये पीस जरूर मिलेगा, मैं वहीं से ले आता हूँ। रुक, तू दुकान के मालिक को दूसरे दुकान का माल बेचेगा? नहीं सेठ जी, छोटे सेठ जी अपनी दुकान में पहली बार कुछ लेने आए हैं, तो उन्हें खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं? भाई तो शांति रख, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। टप्पू बेटा, यहाँ हमारे पास जो मोबाइल है ना, उसमें से जो पसंद करना वो कर ले। ठीक है पापा। फ्रेंड्स, मैं ये फोन ले रहा हूँ। पापा, मुझे ये फोन पसंद है। अच्छा नट्टू काका, गोली के लिए ये फोन पैक कर दीजिए। इसमें गारंटी वारंटी तो मिलेगी ना? हाँ हाँ बेटा, बेफिक्र रहे। अरे व्हाई नॉट बेटा, और तुम लोग कहाँ दूर रहते हो? तुम तो सेठ जी की सोसाइटी में रहते हो, फोन के फंक्शन में अगर कुछ समझ ना पड़े तो आधी रात को सेठ जी के घर जाके पूछ सकते हो। ओ नट्टू काका, क्या बच्चों को गलत आइडिया दे रहे? नहीं बेटा, आधी रात को नहीं आना। गोली बेटा, वेरी बैड, यही सिखाया मैंने तुमको, आधी रात को किसी के घर नहीं जाते, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। ओके पापा। पापा मुझे ये फोन पसंद है। ओ वाह वाह, सोनू मस्त फोन है। हाँ सच्ची। नडुआ का इसी क्या प्राइस है? 9,000 ओनली। कैसे 9,000? अरे भाई तेरे लिए 8,000 बस। नहीं फिर भी जेठालाल, ये मेरे बजट से डबल ही है ना। पर बाबा मुझे यही फोन लेना है। सुनो बेटा। हाँ बेटा, लेकिन हमने कल क्या तय किया था? मैंने मेरा बजट 1500 से 4,000 कर दिया, अब तुम 8,000 का मोबाइल मांग रही हो। अरे भिड़े, तू पैसे का टेंशन मत ले, तुझे जब देना है तब देना, अभी सोनू को नाराज मत कर, दिला दे मोबाइल, दिला दे। जेठालाल, बात पैसों की नहीं है, बात सिद्धांत की है, और हर एक चीज का बजट होता है। ठीक है बाबा, तो मुझे फोन नहीं चाहिए। अब पिड़ू, तो बजट को डबल कर देना, अभी सोनू पुत्र को तू नाराज करेगा यार। वैसे मेरे अंदर का शिक्षक अभी भी मना कर रहा है, लेकिन
आज बाप के सामने शिक्षक हार गया। सोनू ये तू मोबाइल। खरच खरच। थैंक यू बाबा। सोनू घेऊन टाक। ठीक है। हाँ बोलिए चेतन भाई। अच्छा फाइनल है? अरे हाँ हाँ मिल जाएगा टेंशन नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल यस यस थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वाह वाह। अब पिडू वो क्यों हो गया? अरे सोड़ी अभी भी अचार और पापड़ का ऑर्डर मिला 15,000 का। देखा देखा पिड़े घर की लक्ष्मी को खुश रखेगा तो ऐसे ही फायदा होता रहेगा। मैं तो कहता हूँ भिड़े भाई 40-50,000 रुपए का फोन ले लो और भी फायदा होगा। सही बात है। नहीं 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 भाई ये फायदा बहुत है मेरे लिए। पापा मैंने ये मोबाइल पसंद है। मस्त है ना? मस्त है। और लैला पुत्र और जेड़ा ब्रा गोगी का भी हो गया फाइनल। बागा ये सबके मोबाइल बढ़िया सा पैक पुक करके दे दे सबको। हैं बागा और जेड़ा ब्रा और जिन्हें भी पैसे है ना और रात को सोडा शॉप पे दे दूंगा। हाँ मैं भी सोडा शॉप पे। हाँ मैं भी देता भाई। अरे हाँ हाँ ती भाई आप लोग नहीं देंगे तो भी चलेगा। बस नहीं सेठ जी ऐसा नहीं चलेगा। बग्गा क्या बोल रहे तू? नहीं मतलब सेठ जी बोनी का टाइम है कम से कम 101 रुपए तो ले लीजिए। अरे भाई ये सब घर के लोग हैं। घर के लोगों से थोड़ी बोनी ली जाती है। ओ नहीं नहीं जेठा ब्रा ओ बिजनेस में बोनी बहुत जरूरी होती है यार। ओ हम घर के बन गए तो ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हेलो जी पढ़ो 1100 रुपये मेरी तरफ से 501। अरे थैंक यू आती भाई ये 101 रुपया। ये लो सोनू ये तुम्हारा। गोगी ये तुम्हारा। गोली और छोटे सेठ जी ये आपका मोबाइल। थैंक यू। चलो फ्रेंड्स घर जाकर अपने अपने मोबाइल के फीचर्स देखते हैं। चलो 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 बाय 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 बाय। सेठ जी मैं इन सबका बिल तैयार करके रखता हूँ। आप शाम को घर जाएंगे ना तो साथ में लेते जाइएगा। ठीक। अरे सेठ जी ये देखिए ये नाश्ता लेकर अभी आया। अरे बाप रे। अरे बाका जी सेठ जी तुझे भी याद नहीं रहा और सब बेचारा नाश्ता किए बगैर चले गए बच्चे लोग। वो सेठ जी मैं खुद भूल गया। और अभी खड़ा क्या ज्यादा दूर नहीं गए होंगे जा जल्दी बुला सबको। बुलाने की जरूरत नहीं है जेठा भाई। दो कदम बाहर जाते ही याद आ गया रास्ते तो रह ही गया। आ गए हम लोग। बाबा मेरा मोबाइल दो। बाबा मेरा मोबाइल दो। कौन कुड़े गला? भिड़े अंकल अपने दुकान से मोबाइल लिया था ना? अरे बिल्कुल लिया था। बागा ने मोबाइल सोनू के हाथ में दिया था लेकिन सोनू के हाथ से मोबाइल मैंने अपने हाथ में ले लिया ताकि कहीं गिर ना जाए। तो गेला कुड़े? भिड़े वो ऐसा तो नहीं है और रस्ते में चलती गड्डी से मोबाइल थल्ले कर गया। नहीं नहीं सोड़ी अरे पूरा टाइम मोबाइल मेरे साथ ही रखा था मैंने। 8,000 का मोबाइल कहाँ गया? भिड़े अंकल आपको पक्का याद है आपने दुकान से मोबाइल लिया था? अरे हाँ गोया। तो फिर जीप से उतरते वक्त आप कैसे भूल गए? मतलब? मतलब जीप में मोबाइल गिर गया था। मोबाइल मेरे पास है। ये लो। बोलिया हाथी भाई
गोली बेटा ये सही बात नहीं है, पड़ोसे ऐसे मजाक करते हैं। सॉरी बीड़ अंकल, जान निकल गई मेरी। मिल गया देवा, थैंक यू। भगवान हमारा मोबाइल कभी हैंग ना हो, बिल्कुल पापा की गड्डी की तरह एकदम स्मूथ चलता रहे। थैंक यू भगवान, मुझे दिन रात अच्छे अच्छे जोक्स के मैसेज आते रहे। वाह। थोड़ी अंकल पहले मैसेज तो आने दो। ओए हंसना ही जिंदगी, हंसते रहो। भगवान बाबा फोन के बिल का बजट हमेशा बढ़ाते रहे। भगवान ये टप्पू शिंदे का नया मोबाइल है, अब इसी तरह हर साल हमें नया मोबाइल मिलता रहे। हाँ। वाह, हर साल नया मोबाइल मिलता रहे। अरे पिछले 4 साल से मैं एक ही मोबाइल यूज कर रहा हूँ। पुराने जमाने का पिड़ू। चलो फ्रेंड्स, अब अपनी अपनी मम्मी को अपना नया मोबाइल दिखाते हैं। चलो। टप्पू सेना आई है, नया मोबाइल लाई है। टप्पू सेना आई है, नया मोबाइल लाई है। नहीं पूछा तूने माधवी? 4000 का ना? 8000 का फोन है ये। 8000 बोलो तो। ओ आई 8000। सोनू पापा ने 8000 रुपए का मोबाइल दिया है। याद दिला देना, नजर उतारेंगे। इनकी मेरी पंजे का। अरे वाह, 8000 का। सुपर्ब, तेरा फोन तो पापा के फोन से भी अच्छा है। सही बात है। अरे सुनो, एक मिनट। टप्पू सेना ने मोबाइल लिया है इस खुशी में, मेरी तरफ से सबको पेड़ है। ये लो मम्मी, सबसे पहले मेरे फोन से तुम बात करो और मेरे नए मोबाइल का उद्घाटन करो। बेटा सबसे पहले अहमदाबाद माँ को फोन करके खुशखबर देते हैं। आई मेरे फोन से सबसे पहला कॉल तुम करो। अकबर पर किसको लगाऊं फोन? पापा को। मम्मी पहला फोन आप करो, बड़के मामा को। वाओ गुड। मैं दया बोलूं छू। हां मां, ये टप्पू का नंबर है, उसने नया मोबाइल फोन दिया है। हां हां हां। अच्छा चलो मामा, बाद में फोन करती हूँ। बाय। हाँ बेटे बन। यहाँ पर टच कर। मम्मी अब पापा को फोन करो, देखते हो पहचानते कि नहीं। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। टप्पू और बापूजी कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं। आप कौन बोल रही है? नटू काका और बागा भाई सब कैसे हैं? अरे भाई सब अच्छे हैं, लेकिन आप बोल कौन रही है? अभी तक आपने मेरा नंबर अपने मोबाइल में लिखा नहीं है। सोचो, मैं हूँ कौन? कौन? अरे नटू काका, जरा पुलिस का फोन लगाओ तो। करना मुमकिन है, ये नंबर से सुबह से परेशान कर रहा है, जल्दी फोन लगाओ पुलिस को। अरे क्या टप्पू के पापा, सुबह से कहाँ फोन कर रही हूँ, टप्पू के मोबाइल में से पहली बार तो फोन किया है। क्यों, मैं हूँ कौन? पकड़ी गई डॉन। मेरी बिल्ली मुझसे ही मियाओ। मजाक कर रही थी। अच्छा टप्पू के पापा, आज आप जल्दी घर पे आ जाना, बहुत मजेदार खाना बनाने वाली हूँ। क्यों, आज कौन आने वाला है?
जो आने वाला था वो तो आ गया है। कौन? अरे टप्पू का नया मोबाइल फोन। दया तेरा मजाक का जो मूड है ना उसको किसी और दिन के लिए थोड़ा सा बचा के रख है? अभी मुझे काम करना दे, चल बाद में बात करते हैं। सॉरी बाय। लो बेटा बंद कर। अब मोबाइल के कैमरे से फोटो खींचते। अरे हाँ हाँ। चलो चलो जल्दी फोटो खींचते। हाँ, हाँ, हाँ। स्माइल स्माइल। अरे बिल्ली मास्टर, ये टप्पू फोटो निकाल रहा है लेकिन वो झबुक नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? झबुक झबुक झबुक। वैसे लाइट होती है ना? हाँ फ्लैश फ्लैश नहीं हुआ। बराबर बराबर। नहीं नहीं वो नहीं होगा क्योंकि दिन में नहीं होता है फ्लैश। कब होता है? जब दिन नहीं होता तभी होता है। मतलब जब उजाला नहीं होता ना तब होता है वो फ्लैश। अरे तो ऐसा बोलना, रात में होता है। ओहो, क्या बात है भाई, लगता है आज गोकुलधाम में फोटो सेशन चल रहा है। भाई बच्चों एक काम करो, मेरा भी मेरे छाते के साथ एक फर्स्ट क्लास फोटो ले लो। फोटो सेशन नहीं पोपट अंकल, पूरी टप्पू सेना के पास नया मोबाइल आ गया है, ये देखिए। हाँ अंकल ये देखिए। बेचारा कितने साल सिर्फ छाते के साथ ही फोटो निकल रहा है। बच्चों तुम लोग सबसे पहले मेरा नंबर सेव कर लो, कभी भी कोई भी काम हो तो बेझिझक मुझे मिस कॉल दे देना, पोपट अंकल फोन करेंगे। अरे भाई भिड़े, मैं करूंगा। क्या मिस कॉल? अरे भाई बच्चे जब मिस कॉल करेंगे तो मैं फोन करूंगा। ओहो तालिया, पोपट अंकल फोन करेंगे। अरे अजमरा क्या हुआ, ये सब लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? अरे भाई पोपट अंकल सभी बच्चों को फोन करने वाले खुद से। बबीता आंटी ये देखो टप्पू सेना ने नया फोन लिया। अंकल आप हम सबका नंबर नोटिस बोर्ड पर लिख दो ताकि सबको पता चल जाए कि टप्पू सेना नया मोबाइल लिया है। ये गोया तुम लोग का नंबर क्या हेल्पलाइन नंबर है कि इमरजेंसी नंबर है जो बोर्ड पे लिख दूं मैं? एक काम करते हैं, आप सब आंटी एक साथ खड़े रहो, हम लोग फोटो खींचते हैं। सोनू जरा जल्दी घर आ जाना बेटा। अरे आ जाएगी भाई तेरी सोनू, नया खिलौना होता है तो बच्चे थोड़ी देर उत्साह से खेलते हैं फिर भूल जाते हैं। सही बात है चाचा जी। चाचा जी ये खिलौना मोबाइल है, मोबाइल ये भूलने वाला खिलौना नहीं है, इससे खर्चा बढ़ता है। अरे भाई तो क्या खर्चा खर्चा कर रहा है, बच्चे मोबाइल से खेलेंगे तो तेरा कांच नहीं टूटेगा। पोपटलाल कांच नहीं टूटेगा लेकिन इस मोबाइल के मेंटेनेंस का खर्चा मुझे भारी पड़ेगा। सही बात है। सुनिए चल मैं गिराज चलता हूँ। चलो चलो ओके सॉरी भाई। और अब टप्पू का कैमरा पहुंच गया है किचन में, और मेरी मम्मी जो किचन क्वीन है वो मस्त खाना बना रही है और हम उसका लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मम्मी क्या बना रही हो? बेटा सेव टमाटर नु साग छे। वाओ सेव टमाटर की सब्जी जो पापा की पसंद है, और खमन ढोकला जो पापा की पसंद है। तो मम्मी टप्पू की पसंद का क्या है? तुम्हारे लिए पापड़ और सलाद। मम्मी अरे मजाक कर रहे हो दीका, तुम्हारे लिए बासुंदी है ना? बासुंदी ये देखो। वाओ
दादाजी आपका वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, स्माइल कीजिए। अच्छा बड़ी वाली स्माइल दादाजी प्लीज। हाँ ले ले। वेरी गुड दादाजी। दादाजी अब आपकी स्टाइल में न्यूज़पेपर पढ़िए। अरे प्लीज दादाजी। ले ले। वाह दादाजी। दादाजी अब। अरे बस टप्पू बस, क्या कर रहा है तू? दादाजी मैं अपने मोबाइल में हमारे घर की स्वीट मेमोरीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हैं? अच्छी अच्छी यादें। हाँ। दादाजी अब आप दोनों हाथ ऊपर कर मुझे आशीर्वाद दीजिए। टिपेंद्र टपुड़ा सुखीता है, हमेशा खुश रहो, खूब पढ़ाई लिखाई करो और बड़े और अच्छे इंसान बनो। है थैंक यू दादाजी। दादाजी अब। अरे बस टपुड़ा अब ये बंद कर, चल खाना खा लेते। अरे दादाजी पापा को तो आने दो, पापा आए बाद में सब साथ में खाना खाने बैठेंगे ना। और इसी के साथ टप्पू के पापा आ गए। पापा स्माइल। अरे भाई पूरा दिन दुकान में काम करते, थक कर आने वाला आदमी क्या खाक स्माइल करेगा? क्यों भाई दुकान में क्या पत्थर तोड़ के आए? नहीं। अरे तो थोड़ा हंस देगा तो तेरा क्या जाएगा? टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है हंसता हुआ इंसान कोयल की तरह होता है। कोयल बिना स्वार्थ के मीठा बोल के सबके मन को मोह लेती है, वैसे ही हमें हंसने में क्यों कंजूसी करनी चाहिए? हंस देना भाई। टप्पू बेटा देख तेरा पापा हंस रहा है। पापा स्माइल। टप्पू बस बेटा खुश अभी। हाँ जेठा जा हाथ मुंह धोले, साथ में खाना खाने बैठते हैं। जी। अरे दया टुवाल देना। हाँ। बस बेटा। पापा। अरे बंद कर तेरा रिकॉर्डिंग भाई बस अभी। इसने आज कुछ पढ़ाई वढ़ाई की या पूरा दिन मोबाइल से खेलता रहा? नहीं अभी तक तो नहीं। या भाई तो पढ़ाई में ध्यान दे वरना वो भिड़े मेरे पे बिल फाड़ेगा फिर। पापा आज तो मोबाइल डे है। या मोबाइल डे वाड़ी। हाँ पापा बोलिए बोलिए, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, आपकी हंसी आपका गुस्सा। अरे बोलने पा इसका बंद करने के लिए। अरे नहाने जा रहा हूँ भाई, नहाने का भी रिकॉर्डिंग करेगा। बंद कर इसको। हेलो हाय रिंकी। हाय टप्पू, ये तेरा ही मोबाइल है ना? अरे हाँ हाँ मेरा ही मोबाइल है। मम्मी का मोबाइल तो नहीं ना? नहीं यार टप्पू ने एक बार बोल दिया टप्पू का मोबाइल है मतलब टप्पू का ही मोबाइल है। ओके ओके बाबा। टप्पू पता है मैंने एक नई गेम डाउनलोड की है। क्या बात कर रही है, तो जब स्कूल में मिला तब मुझे गेम देना। दे दूंगी, पर टप्पू तेरे मोबाइल में सब एप्लीकेशन ओपन होते हैं ना? अरे हाँ मेरा मोबाइल एकदम लेटेस्ट मोबाइल है, ST445। एक से एक फंक्शन है इसमें। ठीक है चल कल स्कूल में बात करते हैं। बाय बाय। ओके बाय। रिकॉर्डिंग। और ये मेरी स्वीट स्वीट मम्मी स्वीट परोस रही है। अरे मोबाइल ऐश्वर बस कर अभी भाई, पापा जी कुछ बोलिए इसको। पापो चल बेटा पहले खाना खा ले। अरे दादाजी खाने का भी रिकॉर्डिंग करना है ना। ये रिकॉर्डिंग वाली। अरे चल बस बहुत हो गया पापा। बस चल चल खाना खाने बैठ जा, अभी खाना खाने के बाद ही मिलेगा मोबाइल। चल दादाजी। नहीं बराबर है पहले खाना खा ले। चलो 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 चलो। Thank you.
लीजिए और लीजिए। अरे नहीं नहीं बस 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 हो गया दया बस। अरे भाई चार वाटी तो पी गया बासुंदी बस अब और नहीं हो गया। कुछ है बाबूजी? ये रोटी कौन खाएगा? ये मेरी थाली में रोटी किसने रखी? आपने ही रखी होगी। हाँ तो तुमने ली होगी तभी तो आई ना। क्या खा ले? नहीं बाबूजी अब नहीं खाई जाएगी। अरे तो जितना खाना हो उतना ही थाली में लेना चाहिए था ना। हो गया ना अन्न का बिगाड़? नहीं नहीं अन्न का बिगाड़ मैं नहीं होने दूंगा। दया काम करना ये रोटी मुझे कल सुबह देना खाखरे के रूप में। ये सुबह वाली अभी खा ले खबरदार जो झूठा छोड़ा तो। पापा मेरा खाना हो गया मुझे मोबाइल दो। लेकिन मेरा खाना नहीं हुआ मेरा खाना हो जाएगा बाद में मिलेगा। पापा ये क्या बात हुई? हाँ यही बात है भाई। बासुंदी दो तू भी। पापा दोनों मोबाइल उसमें क्या क्या फीचर है सब देखना बाकी है। iOS फोन में इतने अच्छे फीचर्स हैं कि पूछो मत। और इसकी मेमोरी एट अ टाइम आप उसमें 5000 पिक्चर्स और 1000 सॉन्ग्स डाउनलोड कर सकते हो। कौन सा अंतर इसका? और गेम्स माइंड ब्लोइंग गेम्स। वाह 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 सुनो वाह क्या बात है। हां मोबाइल आकर दिया मैंने और सारे फीचर्स बता रही हो आई को। ए, मुझे भी तो दिखाओ। पापा पहले आप अपने हाथ साफ कर लो। साफ कर लो मतलब साफ ही तो है। फिर भी बाबा ये स्मार्टफोन है खराब हो जाएगा पहले आप हाथ साफ करो। बरोबर ही थी कर ना। ओ स्मार्टफोन है ये बाबा के ये लो। हां अरे 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 बाबा ये आपने क्या किया? आपने फोन पकड़ा क्यों नहीं? सुनो मेरे पकड़ने से पहले तुमने छोड़ दिया था। नहीं बाबा मैंने बराबर दिया था आपने ही नहीं पकड़ा। नहीं 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 मैं पकड़ने गया था लेकिन तुमने पहले छोड़ दिया था। नहीं बाबा मैंने आपको ठीक से दिया था पर आप क्या बात कर रहे हो तुमने मुझे दिया आप दोनों क्या लड़ रहे हो फोन तो उठाओ। देख 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 चलो एक नहीं देखा गणपति पापा उनको कुछ पता नहीं देना मैं 5 नारियल का प्रसाद चढ़ाऊंगा। चलो चलो नहीं बाबा नहीं हुआ। अरे देवा कल्याण मिकाई बेटे ये फोन गारंटी पीरियड में है ना तो जेठा भाई को बोल के दूसरा बदल कर ले लेते हैं ना उससे। अरे नहीं ले सकते माधवी फोन बदल कर तभी ले सकते हैं जब फोन खराब हुआ हो ये तो अपनी गलती से गिरकर बंद हो गया है ना। अरे कठिन है चालू हो गया। नहीं बाबा नहीं हो रहा है। अरे बाप रे आता। अरे कैसा फोन है ये माधवी इतनी सी ऊंचाई से गिर गया और बंद हो गया। 8000 का फोन बने। 8000 का हो या 80000 का हो मोबाइल है तो गिरेगा तो टूटेगा ही ना। ऐसा थोड़ी होता है। अरे हमारे जमाने में हो गया चालू चालू हो गया। वाह 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 अभिनंदन भाभी अभिनंदन गणपति बप्पा मोरिया। अभी दिखाना नहीं नहीं तुम्हारे हाथ से दिखाना। हेलो बाबा आपका फोन बजा। अरे ओ सॉरी सॉरी मुझे लगा वही फोन बजा। हाँ बोलिए केशव भाई। अच्छा ऑर्डर है। हाँ क्या 2 किलो आम का अचार और 15 पैकेट लहसुनी पापड़। ठीक है मैं कल आकर दे दूंगा। अभी? हाँ ठीक है मैं अभी आकर दे दूंगा। हाँ हाँ ओके थैंक यू ओके मैं अभी लेकर आती हूँ। अग्गू मजी बाय क्या ख्याल रखा जा रहा है मोबाइल का। वाह जाने। अरे गोली गोली तू अभी तक मोबाइल लेकर बैठा है और खाना नहीं खाया तूने। क्या हुआ गोली? अरे किस बात पे इतना हंस रहा हूँ? बाबा मस्त जोगे एक चींटी और हाथी बाइक पे जा रहे थे अचानक एक्सीडेंट हो गया
हाथी को बिचारे को बहुत चोट आई पर चींटी को कुछ भी नहीं हुआ। कैसे कैसे कैसे? क्योंकि चींटी ने हेलमेट पहनी थी। मम्मी पापा एक और। नहीं नहीं बस गोली चलो। पापा डॉक्टर का जोक है सुनना ही पड़ेगा। मम्मी प्लीज। डॉक्टर का जोक कोमल प्लीज। एक 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 मरीज ने डॉक्टर से कहा कि जब भी मैं सोता हूँ तभी मुझे सपने में क्रिकेट मैच दिखाई देती है। फिर डॉक्टर ने दवाई देकर कहा कि ये सोते समय खा लेना। तो मरीज ने कहा कि मैं कल से खाऊंगा क्योंकि आज ही तो फाइनल मैच है। गोली तुम्हें इतने मैसेजेस भेजता कौन है? मम्मी हम लोग का SMS ग्रुप है सब एक से एक SMS भेजते हैं। मम्मी ये कार्टून का वीडियो देखो मस्त है। नो चलो चलो बैठो यहाँ सिट डाउन खाना खाओ और फिर सीधे पढ़ाई। मम्मी मोबाइल बाद में। मम्मी मोबाइल मोबाइल। गोली तुमने अभी तक खाना नहीं खाया? पहली बार देख रहा हूँ तुम खाना छोड़ के किसी और चीज में इतना इंटरेस्ट ले रहे हो। ये तो सही बात नहीं है बेटा खाना खाओ खाना खाओ। होगी दिख रहा चल अपने मोबाइल साइड में रख दे पिल्ले आकर खाना खा ले। हाँ मम्मी 2 मिनट। आजा आजा जाने मन जाने मन जाने मन कैसे बुला रहा भाई? पापा मेरे मोबाइल का नाम जाने मन है। मोबाइल का नाम जाने मन ढंग प्यारी फोटो स्टेट कॉपी छे। वाह बतर वाह। ऊपर एक गालदास अपनी जाने मन को गड्डी में क्यों रख रहा भाई? पापा ये मेरी जाने मन की सवारी है। गोगी दिकरा अभी तेरी जाने मन थक गई होगी उसको थोड़ा आराम करने दे। अभी तू जल्दी जल्दी आके खाना खा वरना मम्मी नाराज हो जाएगी। हाँ गोगी पुत्र वो जल्दी कर नहीं तो मेरी जाने मन नाराज हो जाएगी। ओके पापा। ओ मेरी जाने मन वो अपना पुत्र अपनी जाने मन यानी मोबाइल का कितना ख्याल रखता है ना। जब से मुआ मोबाइल उसके हाथ में आया ना तब से 1 मिनट भी उसको साइड में नहीं रखा है। गोगी ना मोबाइल ने पाचन टडन घेलो ठेके जो घेलो पता नहीं ये मोबाइल आगे और क्या क्या करेगा। हेलो हाँ बोल टप्पू। हेलो हेलो गोगी टप्पू बोल टप्पू हेलो हाँ टप्पू बोल हेलो गोगी हेलो 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 त्रिशा टप्पू यार। एक हफ्ता हो गया लेकिन बच्चे मोबाइल से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे गुड़ से चींटी। और नहीं था क्या इसका मोबाइल बजा। जेठा भाई मेरा मोबाइल बज रहा है। बंद कर भाई उसको। जेठा भाई धंधा लेकर बैठा हूँ ऑर्डर के लिए फोन आता है मैं फोन कैसे बंद कर सकता हूँ? तब जल्दी उठाना है। हाँ हेलो हाँ हाँ सुरेश जी हाँ हाँ नहीं नहीं सारा ऑर्डर कल आपको पहुँच जाएगा। हाँ हाँ सुरेश भाई अगली बार अगर आपको इस वक्त कुछ चाहिए हो तो फोन नहीं करना SMS कर देना। जीता भाई जीता भाई मोबाइल को लेकर आप इतने गुस्से में क्यों हो? अब्दुल वो जेठा प्रा की हालत को मैं एकदम अच्छे ढंग से समझ सकता हूँ। तो मेरा गोगी पुत्र है ना वो सारा टाइम ही जाने मन के साथ खेलता रहता है। जाने मन थोड़ी ये जाने मन कौन है? वो टेंशन ना ले यार वो गोगी पुत्र ने मोबाइल का नाम जाने मन रखा है। प्लीज मोबाइल ने परेशान करके रख दिया है। और नहीं था क्या? लेकिन मुझे तो मजा आ रहा है। गोली के मोबाइल में एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें सारे जूस वाले चॉकलेट्स वाले सारे होटल सबके नंबर है बस ऑर्डर करो और नई नई डिशेज रोज आ गई। आते भाई कुछ समझ भी नहीं आया आप मोबाइल के फेवर में हो या उसके खिलाफ हो? नहीं वैसे मैं मोबाइल के खिलाफ हूँ लेकिन खाने के फेवर में। ये मुसीबतें मोबाइल प्रकरण है ना ये जेठालाल की वचन की वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी वचन निभाने की जेठालाल?
एक शिक्षक होके तू ऐसे बात कर रहा है? क्या जरूरत है वचन निभाने की? मतलब भगवान राम जी अपने पिताजी का वचन निभाते हुए 14 साल वन में रहे, वो गलत किया है? भगवान राम जी गलत और ये आत्मा राम जी सही? कलयुग है, घोर कलयुग है। राम 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 राम, सत्य सत्य। कलयुग तो है आत्माराम, तो क्या है कलयुग में कभी कभी यह समझ में नहीं आता है कि किसी के नुकसान से किसी का फायदा कैसे हो सकता है? क्या कहना क्या चाह रहे अय्यर भाई आप? जेठालाल, कलयुग में क्या मार्केटिंग टेक्निक अपनाया तुमने? वाह, कैसे? तुमको मालूम था कि टब्बू को मोबाइल दिलाऊंगा तो बाकी सब बच्चे भी अपने आप मोबाइल मांगेंगे। मतलब एक मोबाइल के पीछे चार और मोबाइल का सेल हो गया कि नहीं तुम्हारा? ओ कलयुग के शकुनी, मैं टप्पू सेना के पास नहीं गया था कि टप्पू मोबाइल खरीद रहा है तो आप लोग भी मोबाइल लो। सबको भाव टू भाव मोबाइल दिया मैंने, एक पैसे का भी प्रॉफिट नहीं रखा मैंने। जेठालाल शांत हो जाओ भाई, बैठ जाओ। अरे क्या बोल रहे हो यार भाई? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे मैं खुद भी टप्पू को मोबाइल नहीं दिलाने वाला था, मजबूरी में दिलाना पड़ा। अभी उसकी देखा देखी मैं बाकी सब बच्चों ने भी मोबाइल लिया तो उसमें मेरी क्या गलती है? यार इसमें जेठालाल की क्या गलती है भाई? देखो बच्चों ने जेठालाल की दुकान से मोबाइल खरीदा ये तो ठीक ही हुआ ना, क्योंकि बच्चों को मोबाइल तो खरीदना ही था, किसी और की दुकान से खरीदते। तो जेठालाल की दुकान से खरीदा है, भाव टू भाव दे दिया तो फायदा हुआ। तो? और रही बात देखा देखी की बच्चों की, तो भाई इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं। हम लोग बड़े भी तो होड़ में देखा देखी करते हैं। तो? अब सोड़ी पार्टी करता है तो हम भी पार्टी शार्टी कर लेते हैं, तो जब हम लोग होड़ करते हैं तो बच्चे तो करेंगे, ये तो ह्यूमन नेचर है भाई, इसमें बच्चों की क्या गलती। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, मोबाइल के आते ही बच्चे बहुत खुश हो गए। ओ पप्पू, वो तो बाद में खुश हुए, जिस दिन मोबाइल आया उस दिन मेरा गोगी पुत्र कितना उदास था। अरे भाई सॉरी, मोबाइल मिलने के बाद भी उदास हुआ क्यों? वो हुआ यूं, गोगी पुत्र सोना नहीं है क्या? चल गोगी टिकरा, चल के सो जा। हाँ नहीं मम्मी। गोगी पुत्र, वो ऐसे क्या देख रहा है मोबाइल को भाई? पापा, जानेमन कब से चुपचाप क्यों है? की गल है पुत्र, मैं तेरी गल समझा नहीं। पापा, मेरे मोबाइल पर किसी का फोन नहीं आ रहा है। ओ गोगी पुत्र, इसमें क्या बड़ी बात है? ओ मैं तुझे फोन करता हूँ। नहीं पापा, मेरे किसी फ्रेंड का ही फोन नहीं आ रहा है। गोगी टिकरा, तूने अपने फ्रेंड्स को अपना नंबर दिया है ना? उत्तरे, वो तो मैं भूल गया। कोगी टिकरा, तूने अपने फ्रेंड्स को नंबर नहीं दिया है तो उनका फोन किधर से आएगा? ओ कोगी पुत्र, ओ कल तू अपने फ्रेंड्स को अपना नंबर दे देना, फिर तेरे मोबाइल पे फोन आने शुरू हो जाएंगे। यस। ये गोगी भी कमाल है, बॉलिंग डालने के पहले ही आउट का अपील करता है। लेकिन अभी तो खुश है ना? वो खुश है मतलब, वो जब से उसके दोस्तों को मोबाइल का नंबर दिया उसका, और उसके बाद से तो वो मोबाइल छाट ही नहीं रहा। जानेमन चल 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 चल, जानेमन बिल्ली बोलू तो खा बाबा। जानेमन 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 शॉर्टकट नहीं, जानेमन जानेमन जानेमन। मोबाइल आने के बाद गोगी पुत्र ने तो खाना पीना साफ छाड़ देता है, उठते बैठते हर वेले बस मोबाइल मोबाइल मोबाइल। अरे गोगी क्या सोड़ी, सारे बच्चों ने मोबाइल की वजह से नाक में दम करके रखा है, पूरा दिन नेट से गेम डाउनलोड करो और खेलते रहो, क्लास में पढ़ाई नहीं करते, गेम्स खेलते रहते। अभी कल की बात ले लो। टप्पू जल्दी रिंगटोन में ना प्लीज। हाँ भाई भेज दिया, आ रहा है। ए, ए, काय चल रहे हैं? बंद करो ये सब। भिड़े अंकल, 40% हो गए, 2 मिनट प्लीज, 2 मिनट। ये 40% वाले हैं, एग्जाम में भी जब 40% आएंगे ना तब पता चलेगा। वाह टप्पू, मतलब तू पास हो जाएगा। ए, पर अभी ये मोबाइल वोबाइल सब बंद करो, किसी का भी मोबाइल नहीं बजना चाहिए। ओके अभी किसका बजा मोबाइल? सॉरी सर, मेरा फोन SMS आया। टप्पू
सॉरी सॉरी बेटा सर सॉरी। क्या है ये? सेम प्रॉब्लम, शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS। ओहो, इन सब के फुल फॉर्म मालूम है? WHO का फुल फॉर्म मालूम है? WHO प्रोनंसिएशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं, फुल फॉर्म पूछ रहा हूँ, फुल फॉर्म WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी सबके मोबाइल मुझे स्विच ऑफ चाहिए, किसी का भी मोबाइल नहीं बजना चाहिए अभी। सॉरी पापा ने ये रिंगटोन कब सेट कर दिया मैंनू पता ही नहीं। सॉरी पीटर सर सॉरी सॉरी। पापा ने सेट किया रिंगटोन तो बराबर है। अरे हाँ, 4 बज गए, अभी गोले बाकी है। वो किधर है? सर इज हियर। हाय सर, आई एम हियर। ए गोलिया, तुम क्लास में आधा घंटा लेट आए हो। सर मैंने आपको मैसेज किया था कि मैं आधा घंटा लेट आने वाला हूँ, आपको मिला नहीं? आपको प्रूफ बता सकता हूँ, सेंड आइटम्स में भी है। अरे बंद करो ये मोबाइल। क्लास की बात छोड़ो, घर में भी यही हालात है। घर में अगर कांटेक्ट करना हो तो यूज मोबाइल। अरे मोबाइल लिया ना, उसके दूसरे दिन की बात है। ये लड़की अभी तक कैलकुलेटर लेकर क्यों नहीं आई? सोनो कैल्सियन, ए सोनो सोनो, करते का ही बया सोनो। नेहा मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, बाय। अरे कब से आवाज दे रहा हूँ तुम्हें, क्या कर रही हो तुम? सॉरी बाबा, वो एक्चुअली मैं मेरी फ्रेंड से बात कर रही थी, उसमें मैं भूल गई, पर आपको मुझे एक मिस कॉल दे देना था। मिस कॉल? मतलब एक ही घर में मुझे मेरी बेटी को बुलाने के लिए मिस कॉल देना होगा? हाँ बाबा। बोलो। लगता है सब बच्चों को पोपटलाल ने अपना मिस कॉल का आइडिया सिखा दिया है। अरे भाई मैंने किसी को कुछ नहीं सिखाया। और क्या है दोस्तों, बार बार खड़े क्यों हो रहे हो भाई, बैठ के बात करो ना आराम से। क्या है दोस्तों, आजकल के बच्चे मिस कॉल के फायदे भली भांति जानते हैं। क्या बुरा है मिस कॉल में? मिस कॉल से पैसे बचते हैं, वक्त बचता है, बैटरी बचती है, मैं तो कहता हूँ ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। क्या है, अगर आपने किसी को कहीं मिलने के लिए बुलाया और जैसे ही आप पहुंचे आपने मिस कॉल दे दिया तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप पहुंच गए। और क्या है? अरे भाई पोपटलाल, हमें आज मिस्ड कॉल पे PhD नहीं करनी है। अरे मोबाइल से कम्युनिकेशन तो बहुत इजी हो जाता है, लेकिन कभी कभी डिस्टर्बेंस भी बहुत होता है। क्या है, कभी भी मोबाइल का घंटी बज जाता है। तो भाई बहुत डिस्टर्ब होता है तो फोन नहीं उठाने का, सिंपल। जेठालाल वो सब अनएजुकेटेड मतलब अनपढ़ गवार लोग करते हैं। मतलब फोन बजे और आपने नहीं उठाया तो आप अनपढ़ गवार हो गए? हाँ। तो मान लो आप बाथरूम में ना रहे और आपके फोन की घंटी बजी और आपने फोन नहीं उठाया तो आपकी साइंस की पढ़ाई गई। पानी की चंद बूंदों की वजह से आप अनपढ़ हो गए। उठा उठा भाई उठा, वरना तू अनपढ़ हो जाएगा। जेठा भाई अगर मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो भी अनपढ़ ही रहूंगा, मैं स्कूल नहीं गया ना। तो जाने दे, मत उठा। फोन कट गया, बज गया। सबके सोडे की गिलास खाली हो गई, ये रिचार्ज कर दू। मतलब सबको एक एक सोडा और बना के दू। बना दे भाई बना दे, लगता आज ये दास्तान मोबाइल बहुत लंबी चलने वाली है। मेहता साहब आपको मजाक सूझ रहे हैं, यहाँ बच्चों के मोबाइल की वजह से हम तौबा पुकार गए। वाह जेठालाल, तुमने मुझे आज लिखने के लिए एक अच्छा टॉपिक दे दिया, बच्चों का मोबाइल और माँ बाप की मुसीबत। अरे मेहता साहब आपको अभी इधर लिखने की पड़ी है, यहाँ हमारी हालत सोडा की बंद बॉटल जैसी हो गई है। जेठालाल मुझे पता ही था आपको समझ में नहीं आएगा, आप साइंटिस्ट है ना। समझाता हूँ, एक मिनट ना। ये देखिए अय्यर भाई, ये क्या है? सोडे की बॉटल। सोडे की बंद बॉटल। अभी ध्यान से इधर देखना, हाँ।
देखा बोतल के अंदर की सोडा बाहर आने के लिए कैसे मर रही है, लेकिन ये ढक्कन उसको रोक के रखा है। ठीक वैसे ही हमारे अंदर का गुस्सा बाहर आने के लिए मर रहा है, लेकिन हमारे बच्चों के प्यार के ढक्कन ने उसे रोक के रखा है। वाह, प्यार का ढक्कन। सही बात है जेठा भाई, बिल्कुल सही एग्जांपल दिया है। आखिर मोबाइल भी तो हम ही लोगों ने लेके दिया है ना। करेक्ट है, ये मोबाइल ने तो हमारी नींद हराम कर दी है। जल्दी कुछ एक्शन लेना होगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगा।